आज की कहानी शहर से दूर एक वीरान सी जगह से शुरू होती है। इस वीरान सी जगह में एक रिंग थी और इस रिंग में खूनी रेसलिंग खेली जाती थी। इस रिंग के पास दो कमेंट्री करने वाले बैठे थे जिनका नाम बैन और सिड था। दरअसल यहाँ जल्द ही मॉन्स्टर्स की रेसलिंग शुरू होने वाली थी और ये दोनों उसी पर चर्चा कर रहे थे। मॉन्स्टर रेसलिंग में दो ग्रुप रखे गए थे और हर ग्रुप में चार चार प्लेयर्स थे। पहले ग्रुप का नाम था अनडेड ग्रुप और इस ग्रुप में वो प्लेयर्स थे जिनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, जैसे मम्मी, चलती फिरती लाश, लेडी वैम्पायर, रात की रानी, फ्रैंकनस्टाइन, डरावना मुर्दा और ज़ॉम्बी मैन, बेरहम आदमखोर। ये चारों पहले आम इंसान हुआ करते थे जिनकी मौत हो चुकी थी, मगर मौत के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। दूसरे ग्रुप का नाम क्रिएचर ग्रुप था और इस ग्रुप में वो मॉन्स्टर्स थे जिन्हें हरा पाना नामुमकिन था, जैसे साइक्लॉप्स, एक आंख वाला डरावना राक्षस, मनहूस चुड़ैल, स्वाप गट, दलदल का शैतान और वेयरवुल्फ, रातों का हैवान। ये सभी प्लेयर्स मॉन्स्टर थे और ये बेहद खूंखार थे। मॉन्स्टर रेसलिंग में सभी प्लेयर्स के मैच इस तरह रखे गए थे ताकि हर मैच में ज्यादा से ज्यादा खून बहे। हर मैच का बस एक ही नियम था, जो जिंदा रहा वो जीत जाएगा और जो मारा गया वो हार जाएगा। वैसे इस मॉन्स्टर रेसलिंग को सफल बनाने के लिए जिमी को भी बुलाया गया था। जिमी एक मशहूर रेसलर और अनाउंसर था। इस मॉन्स्टर रेसलिंग का आयोजन इसलिए किया जा रहा था ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि कौन सा मॉन्स्टर सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। रेसलिंग वालों ने एक सस्ते रेफरी का भी जुगाड़ किया था ताकि मैच के दौरान कोई मॉन्स्टर नियम ना तोड़ सके। अब कहानी में हमें साइक्लॉप्स दिखाया जाता है जो किसी सुनसान जगह पर अकेला रहता था। उसे जैसे ही मॉन्स्टर रेसलिंग के बारे में पता चलता है तो वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है। साइक्लॉप्स के पास ये अच्छा मौका था और वो रेसलिंग मैच जीतकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। दूसरी तरफ मनहूस चुड़ैल अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन एक आदमी उसे रास्ते में रोककर गालियां देने लगता है। उसकी गालियां सुनकर चुड़ैल जब अपने घर पहुंचती है तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। दरअसल चुड़ैल के पास ताकत तो बहुत थी, लेकिन फिर भी लोग उससे डरते नहीं थे। उसी वक्त एक आदमी उसके पास आता है और उसे मॉन्स्टर रेसलिंग के बारे में बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि जो भी रेसलिंग जीतेगा वो दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कहलाएगा। उसकी बातें सुनकर चुड़ैल भी रेसलिंग की तैयारी शुरू कर देती है ताकि वो मैच जीतकर खतरनाक मॉन्स्टर कहलाए और दुनिया उससे डरने लग जाए। अब कहानी में हमें क्रिएचर ग्रुप का पहला मैच दिखाया जाता है जो साइक्लॉप्स और चुड़ैल के बीच था। मैच से पहले रेफरी दोनों को नियमों के बारे में बताता है और फिर जल्द ही मैच शुरू हो जाता है। साइक्लॉप्स एक ताकतवर राक्षस था और वो जल्द ही चुड़ैल पर भारी पड़ने लग जाता है। रिंग में साफ साफ दिख रहा था कि साइक्लॉप्स जल्द ही चुड़ैल को हरा देगा, लेकिन चुड़ैल का मैनेजर काफी चालाक था। वो रिंग में आकर साइक्लॉप्स पर चेयर मारता है, जिसके बाद रेफरी उसे नीचे जाने को कहता है। वो उसे समझा ही रहा था कि तभी चुड़ैल अपना हथियार निकालकर रेफरी का गला काट देती है। अब रिंग में सिर्फ साइक्लॉप्स और चुड़ैल बचे थे और ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई के आखिर में साइक्लॉप्स अपनी इकलौती आंख से आग निकालता है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर मर जाती है। मॉन्स्टर रेसलिंग का पहला मैच क्रिएचर ग्रुप के साइक्लॉप्स के नाम रहा और वो अपनी जीत से काफी खुश था। अगला मैच अनडेड ग्रुप का था जो लेडी वैम्पायर और मम्मी के बीच होने वाला था। लेडी वैम्पायर को लोग अमर मानते थे और सभी को लग रहा था कि वही इस मैच को जीतेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग मम्मी के साथ थे, उन्हें लग रहा था कि मम्मी आराम से लेडी वैम्पायर को हरा देगी। इन दोनों का मैच जल्द ही शुरू हो जाता है और इस बार रिंग में कोई रेफरी नहीं था। वैसे भी हर मैच का फैसला किसी एक प्लेयर की मौत के साथ होना था और जब प्लेयर को सामने मौत दिखती है तो वो किसी नियम को नहीं मानता। बस यही बातें सोचकर रेसलिंग वालों ने दूसरे रेफरी का इंतजाम नहीं किया था। उन्हें समझ आ चुका था कि इस मॉन्स्टर रेसलिंग में रेफरी का कोई काम नहीं। इस मैच के आखिर में लेडी वैम्पायर ऐसा वार करती है कि मम्मी का कलेजा उसके हाथ में आ जाता है। इस मैच में लेडी वैम्पायर की जीत हो चुकी थी और मम्मी की मौत। अब कहानी में हमें एक पति पत्नी को दिखाया जाता है जो वीकेंड मनाने एक जंगल में आए थे। इसी बीच जब लड़का पानी लेने तालाब पर जाता है तो कोई पीछे से उसकी पत्नी को मार देता है। अपनी पत्नी की मौत देखकर लड़के के अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसके कातिल से बदला लेने का फैसला करता है। एक दिन वो अपना बदला लेने फिर से जंगल में आता है और जहाँ उसका सामना इंसानी भेड़िए से होता है, वो भेड़िया लड़के को दबोच कर उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन लड़का किसी तरह उसे मार देता है। इंसानी भेड़िए ने ही उसकी पत्नी को मारा था और उसके काटने की वजह से लड़का भी बदल जाता है। अब लड़का बन गया था वेयरवुल्फ। अब कहानी में हमें एक दलदल दिखाई जाती है जिसमें एक मॉन्स्टर रहता था। इस मॉन्स्टर का नाम स्वापगट था और ये बहुत जहरीला था। जो भी इंसान दलदल के पास आता था, स्वापगट उसे खा जाता था।
मॉन्स्टर रेसलिंग में अगला मैच क्रेशर ग्रुप का था और ये मैच वेयरवुल्फ और स्वापकट के बीच होने वाला था। वेयरवुल्फ एक तेज तरार मॉन्स्टर था और वो अपने शिकार को भागने का कोई मौका नहीं देता था। दूसरी तरफ स्वापकट एक भारी भरकम मॉन्स्टर था। ये जहरीला, गंदा, मनहूस, कूड़े का ढेर लग रहा था। सच कहें तो ये चलता फिरता डस्टबिन लग रहा था। अब दोनों के बीच मैच शुरू होता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। पहले पहले तो स्वापकट वेयरवुल्फ पर भारी पड़ता है और वो बीच बीच में अपना जहर भी इस्तेमाल करता है, मगर वेयरवुल्फ उससे किसी मामले में कम नहीं था। वो जल्द ही मैच में वापसी करता है और स्वापकट को काफी मारता है। लड़ाई के आखिर में वेयरवुल्फ के हाथों स्वापकट मारा जाता है और वेयरवुल्फ मैच जीत जाता है। इस मैच को जीतकर वेयरवुल्फ रेसलिंग के अगले राउंड तक पहुंच चुका था, जहां उसका मुकाबला नए मॉन्स्टर से होना था। अब कहानी में हमें केविन नाम का रेसलर दिखाया जाता है। उसे भी मॉन्स्टर रेसलिंग के बारे में पता था और वो चाहता था कि उसका रेसलर ये रेसलिंग जीते। केविन के पास जो रेसलर था उसका नाम ज़ॉम्बी मैन था। दूसरी तरफ डॉक्टर आइबो जल्दी जल्दी अपनी लैब की तरफ बढ़ रहा था। डॉक्टर आइबो ने ऐसा प्रयोग किया था जिसके बाद मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो गया था। उसने अपने इसी प्रयोग से फ्रैंक नाम के आदमी को जिंदा किया था, जिसे दुनिया फ्रैंकनस्टाइन के नाम से जानती थी। वैसे फ्रैंक को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसे दोबारा जिंदगी देने वाला डॉक्टर आइबो है। अगला मैच अंडेड ग्रुप का था और ये मैच फ्रैंकनस्टाइन और ज़ॉम्बी मैन के बीच होने वाला था। फ्रैंकनस्टाइन लगभग 7 फुटा मॉन्स्टर था, जिसकी दहाड़ सुनकर ही सामने वाला ठंडा पड़ जाता था। दूसरी तरफ था ज़ॉम्बी मैन, इंसानी मांस और खून का भूखा मॉन्स्टर। उसे सामने देखकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। अब रिंग में ज़ॉम्बी मैन और फ्रैंक एक दूसरे के सामने खड़े थे। जैसे ही मैच शुरू होता है तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैच के शुरुआती पलों में फ्रैंक ज़ॉम्बी मैन को काफी मारता है, लेकिन जब ज़ॉम्बी मैन फ्रैंक को मारने लग जाता है तो डॉक्टर आइबो रिंग में आता है। वो आते ही ज़ॉम्बी मैन पर वार करता है ताकि फ्रैंक को संभलने का समय मिल सके। डॉक्टर आइबो की चालाकी देखकर केविन को बहुत गुस्सा चढ़ गया था और वो रिंग में आकर डॉक्टर को मार देता है। डॉक्टर की मौत देखकर फ्रैंक गुस्से से पागल हो गया था और वो अपना सारा गुस्सा ज़ॉम्बी मैन पर उतारने लग जाता है। वो उसे इतना मारता है कि ज़ॉम्बी मैन रिंग से बाहर गिर जाता है, मगर फ्रैंक का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो रिंग से बाहर जाकर भी ज़ॉम्बी मैन को काफी मारता है। लड़ाई के आखिर में फ्रैंक ने अपने पैरों तले ज़ॉम्बी मैन का सिर कुचल दिया था। ज़ॉम्बी मैन की मौत के बाद जैसे ही जिमी फ्रैंक की जीत की घोषणा करता है, तभी जमीन से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलकर रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सारे ज़ॉम्बीज फ्रैंक को मारकर ज़ॉम्बी मैन की मौत का बदला लेने आए थे, मगर जब वो फ्रैंक की दहाड़ सुनते हैं तो चुपचाप पीछे हटकर उसे जाने देते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज केविन को घेर लेते हैं और देखते ही देखते उसे खाने लग जाते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी बेन और सिड के पास पहुंच गया था और वो सिड के हाथ को काट लेता है। बेन जल्दी जल्दी ज़ॉम्बी पर वार करता है और उसके वार से ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद सिड ने अपनी गन निकालकर ज़ॉम्बी के माथे पर गोली मार दी थी। अब मॉन्स्टर रेसलिंग में आखिरी मैच होना था और ये मैच फ्रैंक और वेयरवुल्फ के बीच होने वाला था। इस मैच में जिसकी भी जीत होनी थी उसी के पास हैवीवेट चैंपियनशिप चली जानी थी। एक बार फिर से रिंग में 7 फुटा फ्रैंक आता है, जो आते ही जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है। उसके बाद रिंग में फिर से तेज तरार वेयरवुल्फ आता है और वो भी फ्रैंक का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब जैसे ही मैच शुरू होता है तो दोनों लड़ने लग जाते हैं। इसी मैच के दौरान सिड ज़ॉम्बी में बदल जाता है, क्योंकि उसे कुछ देर पहले एक ज़ॉम्बी ने काटा था। वो जैसे ही पास बैठे बेन को पकड़ने लगता है, तभी बेन उसे गोली मारकर मार देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक वेयरवुल्फ को बहुत मार रहा था। लड़ाई के आखिर में वो अपने हाथों से वेयरवुल्फ के चेहरे को बीच से चीर देता है। मॉन्स्टर रेसलिंग के आखिरी मैच में फ्रैंक की जीत होती है और हैवीवेट चैंपियनशिप उसे मिल जाती है। अब वो जैसे ही रिंग से वापस जाने लगता है, तभी उसके सामने केविन आ जाता है। कुछ देर पहले ज़ॉम्बीज़ ने केविन को काटा था, जिसके कारण वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। वो फ्रैंक के पास आकर उसे लड़ाई की चुनौती देता है। फ्रैंक उसकी चुनौती कबूल कर लेता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दरअसल फ्रैंक और केविन की फाइट सीक्वल के लिए रखी गई थी। अब जब कभी इस मूवी का सीक्वल आएगा तभी हमें पता चलेगा कि आगे क्या हुआ था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।